अपने मोबाइल को लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करें वायरलेसली, यानी कैसे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं लैपटॉप में, जिससे आप अपने मोबाइल के फ़ोटोज़, वीडियोस, सारे फाइल्स, ऐप्स वगैरह लैपटॉप में भी देख पाए बड़ी स्क्रीन पर साथ साथ में। तो यहाँ से सबसे पहले आपको वाईफाई ऑन कर देना अपने लैपटॉप में और अपने लैपटॉप को एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर देना है। आप एक दूसरे फ़ोन में सिंपली हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं और उससे अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर आपको सर्च करना है प्रोजेक्शन सेटिंग्स, और इसमें आपको जाना है प्रोजेक्शन सेटिंग्स में। तो यहाँ से आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, इसमें आपको जो है यहाँ देख सकते हैं प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी। तो इसमें आपको ये सारी सेटिंग्स को यहाँ से बात करें सेलेक्ट कर लेना है। जैसी इस लैपटॉप में यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जो सेलेक्ट की हुई है, वही आपको अपने लैपटॉप में भी सेटिंग्स सेलेक्ट कर लेनी है, अवेलेबल एवरीवेयर वगैरह। फिर आपको यहाँ से लॉन्च करना है, जो लॉन्च का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं पीसी इज़ रेडी फॉर यू टू कनेक्ट वायरलेसली। अब आपको अपने मोबाइल में वाईफाई ऑन करना है और फिर आपको यहाँ से सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ से एक ऑप्शन शो होगा, यहाँ देख सकते हैं कनेक्शन एंड शेयरिंग का। इसमें यहाँ पर नीचे आपको वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आपको ऑन कर लेना है। तो यहाँ से आपको आपका लैपटॉप शो हो जाएगा, तो आप यहाँ से भी इजीली अपने मोबाइल को लैपटॉप से यहाँ पर बात करें कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर वायरलेस डिस्प्ले को ऑन करके यहाँ से कास्ट को ऑन कर देना है, और फिर वाईफाई ब्लूटूथ लोकेशन की परमिशन दे देनी है और यहाँ आपको डिवाइस शो हो जाएगा। तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर आपके लैपटॉप में नोटिफिकेशन आएगा, उसको आपको यहाँ पर बात करें अलाउ कर देना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आया क्योंकि ये फ़ोन पहले भी इस लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पर जो भी शो हो रहा है वही लैपटॉप की स्क्रीन में भी साथ में चल रहा है, यानी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आप कोई भी फ़ोटोज़, वीडियो अपने मोबाइल में देखेंगे, कोई भी फाइल देखेंगे, तो वो आप लैपटॉप में भी देख सकते हैं। यहाँ से स्टॉप कास्टिंग से आप इजीली इसको बंद भी कर सकते हैं।